हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम 500 क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। यह क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं और लास्ट सेक्शन में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की उपेक्षा करेंगे, सेकंड है अभिभावक को लिखेंगे, थर्ड है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, फोर्थ है बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। यह क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में आया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर चाहिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए कि आप स्वयं जाके उनसे मिलेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है जब शिक्षक फुर्सत में हो, सेकंड है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सेकंड है माफ कीजिए थर्ड है कुछ समय के पश्चात, फोर्थ है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। यूपीटेट 2011 में क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर ये 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चे की जिज्ञासा शांत करना तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा यह जिज्ञासा की गई हो। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक विषय का, सेकंड है बाल मनोविज्ञान का, थर्ड है शिक्षा संहिता का, फोर्थ है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। यह क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में आया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्नेह का, सेकंड है विश्वास का, थर्ड है सम्मान का, फोर्थ है ये सभी। क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास में। आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का संबंध होना चाहिए। तो आंसर से अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा फोर्थ, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी की मध्य बढ़ावा देता है। फोर्थ आंसर देखेंगे, माफ कीजिए ऑप्शन देखते हैं। प्रतियोगिता की भावना को, सेकंड है सहयोग की भावना को, थर्ड है प्रतिद्वंद्विता की भावना को, फोर्थ है तटस्थता की भावना को। क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में पूछा गया है। तो आंसर दीजिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा एक शिक्षक या एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा सहयोग की भावना को। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्चतम मार्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, सेकंड है शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करना, थर्ड है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, फोर्थ है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में पूछा गया है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना सबसे सर्वोच्चतम मार्ग होगा। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, सेकंड है शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, थर्ड है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, फोर्थ है शिक्षण अन्वेषण है। तो आंसर नहीं में पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 क्वेश्चन नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर दीजिए, आरटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, शिक्षण अन्वेषण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाल अपराध, सेकंड है कमजोरों को डराने वाला, थर्ड है भगोड़ापन, फोर्थ है स्वालीनता। आरटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। यह भी क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा स्वालीनता, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा में या के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के साथ, सेकंड है उच्च कक्षा के साथ, थर्ड है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, फोर्थ है जब वे चाहें। पीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निर्देशित निर्धारित कर, बी ए या पी श्यामपट्ट का प्रयोग कर, सी ए दृष्टांत या उदाहरण देकर के द्वारा, डी ए छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो आंसर यहाँ पे बताने हैं आपको, तो आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं, पीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, आप कक्षा एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करेंगे तो निर्देश देंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, उदाहरण देंगे और छात्रों की सक्रिय भागीदार द्वारा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये सभी, फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए, सेकंड है उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए, थर्ड है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके, फोर्थ है उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे। पीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि यह कहा जाता है कि एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ किस प्रकार से निकालेंगे? आंसर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर यहाँ पे देना है। 5 सेकंड समय आपके पास में, आंसर दीजिएगा। आंसर में करेक्ट होना चाहिए उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके, तो आंसर हमारे हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है या कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक, सेकंड है सीखने वाला, थर्ड है स्कूल, फोर्थ है फर्स्ट एवं सेकंड। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है शिक्षक और सीखने वाला, तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है यह ज्ञान का प्रदाता है, अति श्रेष्ठ है, सेकंड है एक शिक्षक सजीव रूप में ज्ञानधार बच्चे तक प्रभावित करता है, थर्ड है वह उच्च ज्ञान को समझ सकता है, फोर्थ वह बच्चों पर रौब जमा सकता है और उनको परीक्षण में कम अंक दे सकता है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, आंसर दीजिए यहाँ पे। आंसर वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, अधिगम एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि एक शिक्षक या शिक्षक एक सजीव रूप में ज्ञानधार बच्चे तक प्रभावित करता है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे हमारा, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का संसाधन है, सेकंड है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, थर्ड है शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है,
फोर्थ है शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है, आंसर इसका अकॉर्डिंग देना चाहिए। और ऐसे या इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं तो आंसर दीजिए। यहाँ पे 5 सेकंड है आपके पास में, आंसर आया करेक्ट हो जाएगा। नहीं में क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, जबकि यह क्या है मनोविज्ञान है, तो नहीं दिया गया इसमें, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक के रूप में आप विद्यालय के छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए निम्न में से किस उपाय को अपनाएंगे। फर्स्ट अपने सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, सेकंड है मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, थर्ड इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फोर्थ है विद्यालय में समाज सेवा क्रियाओं का आयोजन करेंगे। क्वेश्चन पूछा करके एक शिक्षक के रूप में अगर आप विद्यालय के छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के बारे में या करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएंगे, तो आंसर दीजिए। 5 सेकंड है आपके पास में, इसके बड़े हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करने को महत्व को बताएंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है उसका व्यक्तिगत शिक्षण करेंगे, सेकंड है उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, थर्ड है उसको पारिशोधिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे, फोर्थ है अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि आप या आपकी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले कुछ छात्र हैं तो आप उनके लिए क्या उपाय अपनाएंगे, तो आंसर दीजिएगा। 5 सेकंड समय आपके पास में, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि का या विधि अपनाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा शिक्षण में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार केंद्रित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, सेकंड है कक्षा में जोर जोर से बोलकर, थर्ड है विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, फोर्थ है भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, तो आंसर दीजिएगा। 5 सेकंड समय आपके पास में, आंसर में करेक्ट हो जाएगा छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, सेकंड है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, थर्ड है शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधिवत तरीकों का प्रयोग करना, फोर्थ है प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, तो आंसर दीजिए। 5 सेकंड समय आपके पास में, तो इसका हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, अनुकरण को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग तुलना या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति सचेत रहना चाहिए, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। यहां पे हमें विद्यार्थियों की अलग अलग तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहां पे क्लास के अंदर ही भावना उत्पन्न हो सकती है और अनुशासन भंग होगा और क्लास में पढ़ाने का माहौल नहीं बन पाएगा, तो इसका अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करते हैं हाथ में। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों की ज्ञानात्मक ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है करके सीखना, सेकंड है अनुभव द्वारा अधिगम, थर्ड है अनुकरण द्वारा अधिगम, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों को ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका क्या है, तो आंसर दीजिए। 5 सेकंड समय आपके पास में, इसके गुण आंसर हो जाइए कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका करके सीखना, अनुभव द्वारा अधिगम, अनुकरण द्वारा अधिगम, तो आंसर इसका अकॉर्डिंग होना चाहिए ये सभी तरीके, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन देखेंगे अगला, अध्यापक को छात्र की योग्यता कैसे मापनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र की परीक्षा लेकर,
सेकेंड है छात्र से प्रश्न पूछकर, थोड़ा छात्र के विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड अपनाकर उसके विश्लेषण द्वारा, फोर्थ है छात्र के माता पिता से पूछकर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अध्यापक को छात्र की योग्यता कैसे मापनी चाहिए, आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास में। तो यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, छात्र के विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड अपनाकर या बनाकर उसके विश्लेषण द्वारा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं हो, फर्स्ट ऑप्शन है जागरूक, सेकेंड है तत्पर, थर्ड है परिपक्व, फोर्थ है सूझबूझ वाला। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा, अधिगम तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम ज्ञान का एकत्रीकरण है, सेकंड है इसका आधार दंड एवं पारितोषित है, थर्ड यह सामाजिक क्रिया है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ये 5 सेकंड समय, इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं, तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शिक्षा की कौन सी विशेषता मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया द्वारा अधिगम, सेकंड है सामाजिक प्रतिष्ठा, थर्ड है व्यक्ति का संपूर्ण विकास, फोर्थ है बालक एवं शिक्षा का संबंध। तो आंसर में गलत पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग में आंसर देना है, तो आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड समय आपके पास में। इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने वास्तविक रूप में मनुष्य की आंतरिक भावना, आत्मनियंत्रण की शक्ति और सामाजिक आचरण के योग्य से होता है, फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विकास, सेकंड है व्यक्तिगत विकास, थर्ड है अनुशासन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, आंसर दीजिए इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने वास्तविक रूप में मनुष्य की आंतरिक भावना, आत्मनियंत्रण की शक्ति और सामाजिक आचरण के योग्य से होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिशु शिक्षण के द्वारा शिक्षक जिन तथ्यों का ज्ञान कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविक शक्ति, सेकंड है स्वाभाविक रुचि, थर्ड है अंतःप्रेरणा गतिविधि, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिशु शिक्षण के द्वारा शिक्षक जिन तथ्यों का ज्ञान कर सकते हैं, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में, आंसर मेरा करेक्ट होना चाहिए, स्वाभाविक शक्ति, स्वाभाविक रुचि, अंतःप्रेरणा गतिविधि, तो इसका पूरी आंसर करेक्ट हो जाएगा ये सभी, तो आंसर हो जाएगा हमारा है फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों के कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने से मना किस बाद ने किया है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति बाद ने, सेकंड है प्रयोजन बाद ने, थर्ड है यथार्थवाद ने, फोर्थ है आदर्शवाद ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालकों के कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करने के लिए किस प्रतिवाद ने या मना किया है, तो यहाँ पे आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रकृतिवाद ने मना किया है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक को किसी सामग्री के गलत प्रयोग करने पर डांटने से, फर्स्ट ऑप्शन है उसे अध्यापक पर क्रोध आता है, सेकंड है वह उस साधना का या साधन का प्रयोग करना छोड़ देता है, थर्ड वह गलती में सुधार कर लेता है, फोर्थ है उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में रुकावट आ जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बालक को किसी सामग्री के गलत प्रयोग करने पर डांटने से, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में
रुकावट आ जाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथी तुम। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाधित और अक्षम बालकों के लिए शिक्षण हेतु, सेकंड है विशिष्ट बालकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु, थर्ड है अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जा सकता है या किया जाता है, तो आंसर दीजिए। 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग, बाधित और अक्षम बालकों के हेतु शिक्षण, विशिष्ट बालकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु, थोड़े अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षण हेतु। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ये सभी, फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लाइक करते हैं साथ में। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष में अनुकूलन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण विद्यार्थियों में, माफ कीजिए शिक्षण विधियों में, सेकंड है अनुदेशन में, थर्ड है शिक्षण प्रविधियों में, फोर्थ है इनमें सभी या इन सभी में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष में अनुकूलन करते हैं, तो आंसर दीजिए 5 सेकंड है आपके पास में। आंसर करेक्ट होना चाहिए शिक्षण विधियों में, अनुदेशन में, शिक्षण प्रविधियों में, तो आंसर हो जाएगा इन सभी में, तो फोर्थ आंसर टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है रिश्तेदारों से, सेकंड है शिक्षकों से, थर्ड है मित्रों से, फोर्थ है माता पिता से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया कहां से संपादित होती है, तो इसका उन्हें आंसर देंगे 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया संपादित शिक्षकों से होती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।